इससे पहले डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पेक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंत एक्टिवेट कर लें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज आपको मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी YouTube चैनल क्रिएट करके अर्न करना चाहते हैं तो हमारी टेक्निकल टीम की हेल्प ले सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री है। अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टीजमेंट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से करें और अपना बिजनेस ग्रो करें, यह बिल्कुल फ्री है। हमें तुरंत संपर्क करें। आप हैं द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर, और इसमें एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। वीडियो को स्किप करके ना देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, नहीं तो आप मुनाफे से वंचित रह जाएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। सिलेक्ट स्टॉक विथ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्टे रेसिलियंट इन अनसर्टेन टाइम्स टू। तो आजकल जानते हैं कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कई नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ रही हैं, जिससे कि मार्केट लगातार धराशायी हो रहा है, दिन प्रतिदिन गिर रहा है और बहुत बड़ी गिरावट हो रही है और आगे भी ऐसी गिरावट जारी रहेगी। तो इस समय में हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना होगा जिनकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हैं, मतलब अच्छी कमाई होती है इन कंपनी में। तो जब इनकी अच्छी कमाई होगी तो ये गिरावट जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी और प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ऐसे कौन से स्टॉक हैं, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अनिश्चितता के समय में भी लचकदार होते हैं, मतलब ये झटकों को सह सकते हैं, नकारात्मक समाचारों या खबरों से ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करते हैं और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते रहते हैं, और गिरावट भी इसमें बहुत कम समय के लिए होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में, और क्या कहना है एनालिस्ट का उनके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मुंबई से रिपोर्ट आ रही है, एज पैसिव इन्वेस्टिंग पिक्स अप इन इंडिया, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ कंसिस्टेंट स्टॉक परफॉर्मर्स। तो आप जानते हैं कि इंडिया में हमेशा से ऐसे स्टॉक्स की डिमांड रही है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं। इन स्टॉक्स को आप खरीद कर जीवन भर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हैं, आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। इन्वेस्टर्स पिक सच स्टॉक्स टू हेल्प देयर पोर्टफोलियो गेन एज एज इवन इन अनसर्टेन टाइम्स। आप जानते हैं कि मार्केट में लगातार अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कभी युद्ध की खबरें आती हैं, कभी यूएस फेडरल द्वारा ब्याज दर बढ़ा दी जाती है। तो जब इस तरह की नकारात्मक खबरें मार्केट में होती हैं तो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स जो हैं उसमें गिरावट आ जाती है, और बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। तो हमें उन स्टॉक्स को चुनाव करना चाहिए जो कि इस तरह की बुरी खबरों या बुरी माहौल में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ईटी टेक्स अ लुक एट सम स्टॉक्स दैट हैव रिपीडली परफॉर्म्ड बेटर देन द बेंचमार्क इंडिसेस। तो ईटी की तरफ से ये रिसर्च आई है कि इन नकारात्मक माहौल में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बेंचमार्क को उन्होंने बीट किया है, उससे बेंचमार्क से अच्छा प्रदर्शन किया है। बेंचमार्क मतलब निफ्टी से अच्छा प्रदर्शन किया है। इन दी एनएससी 500 इंडेक्स देयर आर 18 स्टॉक्स दैट हैव आउट परफॉर्म द बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स एंड निफ्टी 500 इंडेक्स ओवर वेरियस पीरियड्स इन दी पास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में 18 स्टॉक्स ऐसे छांट लिए गए हैं जो कि निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी 500 इंडेक्स को से इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है लगातार 3 सालों में। सम ऑफ देम आर जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इनमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, हिताची एनर्जी इंडिया, लिंडे इंडिया, सेफलर इंडिया, कैप्री ग्लोबल कैपिटल, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज, ओबेराय रियलिटी, सीमेंस एमंग अदर्स। और दूसरे भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दीज आर स्टॉक्स दैट हैव स्टेड रेसिलेंट अमिड द रिसेंट सेल ऑफ ट्रिगर्ड बाई
हाईलाइटेड अनसर्टेनिटीज ओवर द लाइकलीहुड एज फास्टर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज्ड बाई द यूएस फेडरल रिजर्व एंड जियो पोलिटिकल टेंशन इन यूरोप। हाल ही में मार्केट की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? एफआईआई द्वारा लगातार सेलिंग की जा रही है, इससे मार्केट गिरा है। दूसरी, मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है। अगली खबर है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे कि मार्केट में एक तेज़ गिरावट देखी गई। और यूरोप में जो रसिया है और यूरोप रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध होने की आशंका बनी हुई है, उससे भी मार्केट गिरा है। तो कई नकारात्मक न्यूज मार्केट में है, जिससे कि मार्केट लगातार गिर रहा है। तो ऐसे में उन स्टॉक्स के बारे में जानना जरूरी है जिन पर हम पोर्टफोलियो बनाकर इन बुरी खबरों में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए हम उन सभी स्टॉक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये हैं हमारे चार टॉपर्स स्टॉक्स मार्क पीरियडिकली। तो इन ये ऐसे 18 स्टॉक्स हैं जिन्होंने बेंचमार्क को पीरियडिकली कई बार बीट कर दिया है, जैसे कि निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इंडेक्स को बीट किया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए, निफ्टी में और -1.5% की गिरावट है, निफ्टी 500 में -1.9% की गिरावट है 5 दिनों में। तो इसमें JSW एनर्जी की परफॉर्मेंस को देख लीजिए, इसमें 1.8% की गिरावट है। अदानी ट्रांसमिशन, हिताची एनर्जी इंडिया में 13% की गिरावट है। लिंडे इंडिया, सेफलर इंडिया, कैप्री ग्लोबल, फाइन ऑर्गेनिक्स, ओबेरॉय रियलिटी, अदानी ग्रीन एनर्जी, शारदा क्रॉप कैम, टिमकेन इंडिया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, नारायणा हृदयाल, आवास फाइनेंशियल्स, चोलामंडलम इन्वेस्ट, सीमेंस, वोल्टास एंड रत्नमणि मेटल्स। तो निफ्टी में गिरावट है 1.5% की, निफ्टी 500 इंडेक्स में गिरावट है 1.9% की। तो इन स्टॉक कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें 0.1% की गिरावट है और 0.4% गिरावट है, किसी में बड़ी गिरावट भी हुई है 11.0% या 13.0% की गिरावट है। लेकिन वन मंथ में देखिए, वन मंथ में निफ्टी में 50 में 0.5% की गिरावट है और इसमें 4.4% की गिरावट है। तो बाकी के स्टॉक्स में भी गिरावट नहीं है। वन मंथ में देखिए, निफ्टी 50 में 0.5% गिरावट है, निफ्टी 500 में -4.4% का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि JSW एनर्जी ने 9% का इंटरेस्ट दिया है आपको, हिताची ने 5.6% का रिटर्न दिया है, इसी बीच में शारदा क्रॉप केम ने 48% का रिटर्न दे दिया, बेहतरीन रिटर्न पेश किया, रत्नमणि मेटल्स ने 15.9% का रिटर्न दे दिया। अब देखिए, थ्री मंथ में निफ्टी 50 ने 2.0% का नेगेटिव रिटर्न दिया, निफ्टी 500 ने -4.0% का रिटर्न दिया। लेकिन इनमें से कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है, 22.8% का, 76.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 13.3% का रिटर्न निगेटिव रिटर्न दिया है, पूरा रेड है। लेकिन सिक्स मंथ में देखिए, निफ्टी 50 ने 2.6% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 500 ने 4.1% का रिटर्न दिया है। तो वहीं JSW एनर्जी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 49.8% का, अराउंड 50%। अदानी ट्रांसमिशन ने 74% का रिटर्न, हिताची एनर्जी 77, लिंडे इंडिया 38, स्लफायर इंडिया 29.2, कैप्री ग्लोबल 16, फाइन ऑर्गेनिक 43, ओबेरॉय रियल्टी 40, अदानी ग्रीन एनर्जी 112.9%, शारदा क्रॉप केम 91, टिमकेन इंडिया 32, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 18.5, नारायणा हृदयाल 36, आवास फाइनेंशियल्स 25, चोलामंडलम 41, सीमेंस 10, वोल्टास 27, रत्नमणि मेटल्स 6.3%। तो यहाँ पर आप देखिए, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में कम गिरावट होती है, लेकिन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट होती है। सिक्स मंथ में इन्होंने बहुत कम रिटर्न दिया, निफ्टी 50 ने और निफ्टी 500 ने। लेकिन ये जो बाकी के 18 स्टॉक है, ये 50% या 100% का रिटर्न इन्होंने दे दिया। वन ईयर में देखिए, निफ्टी 50 ने 13.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया, निफ्टी 500 ने नेगेटिव रिटर्न दिया 18.3% का। तो वहीं JSW एनर्जी में 359% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 180%